हेलो गाइस, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था अबाउट द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, क्लियर? तो अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमारा आर्टिकल सॉल्व हो सकता है, क्लियर? तो आपको पता है कि जैसे हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस किया था, देन इलास्टिक कोलिजन के केस में आपके पास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दोनों क्या होते हैं, ओबे होते हैं, क्लियर? बट अगर आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन है तो उस केस में क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो ओबे होगा, जो मैं ऑलरेडी वैसे पहले बता चुका हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो आपके पास ओबे होगा, क्लियर? बट आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओबे नहीं होगा, क्लियर? तो इसी कंडीशन को लेते हुए मैंने यहां पे प्रूव करना है, और वन डायमेंशन है तो इसका मतलब हमने एक लाइन में ही मूव करना है, क्लियर? तो यहां पे मैं लेता हूं इस टाइप से, ये मैंने दो बॉडीज कंसीडर करी, एक का मास m1 है, एक का मास क्या है m2 है, इसका जो वेलोसिटी इनिशियल वो कितना है u1, और इसका जो वेलोसिटी इनिशियल वो कितना है u2, क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या है कि ये बॉडी जो है इस बॉडी के साथ कोलाइड करती है, क्योंकि अगर 1D है तो आपके पास क्या होना चाहिए, u1 का वैल्यू u2 से ग्रेटर होना चाहिए, अगर u1 का वैल्यू u2 से ग्रेटर होगा तभी ये बॉडी इसके साथ स्ट्राइक करेगी, अदरवाइज वो स्ट्राइक नहीं कर पाएगी। तो बिफोर द कोलिजन दोनों का वेलोसिटीज क्या क्या है, इसका u1 है और इसका कितना है u2 है। आफ्टर कोलिजन आपके पास क्या होता है कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, एक का मास m1 ही है, एक का मास m2 है, और आपके पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी v1 और इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2, क्लियर? हमें करना क्या होता है इन आर्टिकल्स में, जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजंस वो हमें फाइंड आउट करनी होती है कि कितनी होगी, क्लियर? तो वो चीज जस्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने देखना है, क्लियर? तो देखिए यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो ओबे होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा आपके पास, एम वन इंटू यू वन प्लस एम टू इंटू यू टू इक्वल टू आपके पास क्या है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, क्लियर? हमारे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, जैसे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन थे, दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो मेरे पास कौन सा है v1 है और एक मेरे पास कौन सा है v2 है, ये मेरे पास दो वेरिएबल हैं, और नंबर ऑफ इक्वेशंस मेरे पास कितने हैं, ओनली वन है, क्लियर? अब देखिए किसी के भी थ्रू अगर आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है तो एक ही जस्ट वे होता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आपने एक मेथड यूज किया होगा, एलिमिनेशन मेथड इन क्लास 10 मैथ, तो मैथ में आपने ये चीज करी थी कि आप देखते थे कि लाइक जैसे एक्स वाई की फॉर्म में आप कोई भी इक्वेशन लिख लो, जैसे मान लो मैंने ये लिख ली, क्लियर? तो आपको पता है जब आप इसे सॉल्व करते हो इक्वेशन को तो यहां से आपके पास एक्स वाई का वैल्यू आ जाता था, क्लियर? तो मतलब क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्विवेलेंट है, मतलब वेरिएबल दो हैं x एंड y और आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, टू है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। बट यहां पे आपके पास वेरिएबल तो कितने होंगे, टू, और निकालने किससे है, एक इक्वेशन से, तो इसका मतलब यहां पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर? तो अगर मैं इसमें सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए कि एक वेरिएबल कोई भी, या तो बी वन या फिर बी टू, ठीक है, मुझे किससे फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाय द एक्सपेरिमेंट, और बाय द एक्सपेरिमेंट जब मेरे पास एक वैल्यू आ गई, लाइक जैसे मान लो कि मेरे पास वी वन आ गई, जब मेरे पास एक वैल्यू वी वन आ गई तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, फिर उसके थ्रू क्या आ जाएगा, वी टू आ जाएगा, क्लियर? तो एक वेरिएबल को बाय द एक्सपेरिमेंट आपने फाइंड आउट करना है और दूसरे को बाय दिस इक्वेशन, इस टाइप से हम इसे सॉल्व करते हैं, क्लियर? एनी डाउट?